अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये एक पिन लाइन होती है जो हर यूट्यूबर ने स्टार्ट में बोलनी होती है, आप लोगों को ये कहना होता है, रिक्वेस्ट ही करनी होती है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी होती है कि अगर आप लोगों को अच्छा लगता है हमारा कॉन्टेंट तो प्लीज़ अप्रिशिएट किया कीजिए। तो सबसे पहले जी लाइफ अपडेट कर देती हूँ मैं आपको कि अभी भी वही सूरत हाल है। तलहा साहब अभी भी सिक हैं, कोई ठीक नहीं हो रहा। हत्या हम हॉस्पिटल भी लेके गए थे, एमरजेंसी लेके गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं, बस पैरासीटामोल बोला कि दें इसको। फिर एक तो उसको नक्सीर का इशू हो गया बहुत ज़्यादा, दो दिन हो गए मुसलसल दिन रात खून रुक ही नहीं रहा। तो फिर टाइम लिया हुआ था तो कल फिर हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने कहा इट्स नॉर्मल, कोई मसला नहीं है। हाँ गले में थोड़ी सी सूजन है, बाकी इसका कोरोना टेस्ट वगैरह भी हो गया था तो वो भी कोई नहीं है, नेगेटिव आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई इशू नहीं है, कोई निमोनिया, कोई चेस्ट इन्फेक्शन, कंजक्शन कुछ नहीं है, बस गले में थोड़ी सी स्वेलिंग है। तो उसके लिए फिर उन्होंने मेडिसिन दे दी और सबसे ज़्यादा जो हमें इशू था नक्सीर का, जो उसके नाक में से खून बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो वो भी डॉक्टर ने बोला कि इट्स ओके, ये नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, आप ले जाएँ घर। अगर ऐसा दोबारा भी होता है तो बस आप टॉवल छोटा सा लेके ठंडा करके तो उसके नाक पे रखें और नाक को दबाएं तो रुक जाएगा खून। तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है और ज़्यादा खून की कमी भी हो गई है, तो बस चिड़चिड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। और काम मेरे अभी तक वैसे के वैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं हो रहा मेरे से। रमज़ान की आमद है इंशाल्लाह, बस यहाँ पर भी रमज़ान स्टार्ट होने को है। तो अभी मैं बस मौसम की फीलिंग बना रही थी एज़ वेल, जिस तरह पहले मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो अभी मैंने समोसा की फीलिंग बना ली है और वही जो पट्टियाँ जो पहले ही मैंने मंगवाई हुई थी ना, यहाँ से मेरे हस्बैंड आए थे, जो पहले मैंने आपको बताया था अवामी से लेकर आए थे, तो अब मजबूरन वो दूसरी तो आ गई हैं लेकिन उनको भी मैंने ज़ाया नहीं करना, तो अभी मजबूरन मैं उन्हीं को दोबारा से यूज़ करूँगी और उनके मैं समोसे बना के फ्रीज़ कर दूँगी। उनके साथ मुझे इशू ये है, शायद आप जिन्होंने वो यूज़ की हों मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा इशू है कि वो ऑयल बहुत ज़्यादा अब्सॉर्ब करती हैं, के बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं। एक तो वो चिपकती भी नहीं है, मैंने अंडे के साथ भी चिपकाने की कोशिश की, अंडा लगा के भी और दूसरा भी जो मैदे का बैटर बना के भी उसको चिपक, लेकिन वो चिपकती नहीं है। एक तो वो खुल जाती हैं और दूसरा ऑयल, ये वाली जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं ये, और इनके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है तो ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती हैं। लेकिन बहरहाल अब आई नहीं थी तो मैंने कहा चले मैं ये बना के रख देती हूँ समोसे, तो फिर देखूँगी कि कोई मतलब जुगाड़ लगाने की कोशिश करूँगी। वैसे तो एयर फ्रायर में बहुत ज़बरदस्त बनती हैं ऐसी चीज़ें, अगर आप मतलब कॉन्शियस हैं। मेरा अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ हुआ है, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें काफ़ी ज़्यादा था, तो मुझे भी अवॉइड करना चाहिए ऑयल वगैरह। लेकिन अभी मेरा इरादा है कि मैं एयर फ्रायर ले लूँ, तो मैं देखूँगी कब तक मैं उसको ले सकती हूँ, क्योंकि उसमें यह होगा कि आप मतलब ऑयल के बगैर ना चीज़ें जो हैं वो आराम से बना सकते हैं। तो अभी फिर मैंने अभी इसको कर लिया, मैं कोई जुगाड़ लगाने की कोशिश करूँगी कि इसमें कम ऑयल में ये जो बन जाए और ऑयल भी इतने ज़्यादा इसके अंदर अब्सॉर्ब ना हो। अगर आप में से किसी के पास कोई तरीका हो, कोई हिंट मुझे बताना चाहे तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब मायूस हुई हूँ। लेकिन बहरहाल मैंने बना दिए थे समोसे, तो मैंने कहा चलें देखते हैं कि क्या होता है, मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। यहाँ पे मैं अंडा लगा रही हूँ अंडे के साथ, बस मैं इसको इस तरह बंद करके तो अब मैं इनको रखती जाऊँगी और इसी तरह मैं सारे के सारे जो है ना समोसे वो बना लूँगी और फिर मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। और फिर रमज़ान में इसी तरह डिफरेंट रोज़ कुछ ना कुछ फिर हो जाएगा। ये कबाब जो हैं ये भी फ्रीज़ हो चुके हैं आपके सामने, ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और अब मैं इनको निकाल के तो अब मैं इनको अलग से बैग में बंद करके रख दूँगी। और अब मेरा जो फ्रीज़र है ना वो फुल हो गया है। एक तो मतलब जो फ्रीज़र है वो छोटा है, उसके अंदर तीन डिब्बे बने हुए हैं और उनके अंदर बॉक्सेस बने हुए हैं, उन्हीं बॉक्सेस के अंदर सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो एक में मैंने फ्रोज़न रखी हुई होती हैं चीज़ें, एक में जो है बीफ मटन होता है और एक में जो होता है ना वो बोनलेस होता है। तो अब वो तीनों फुल हो गए हैं, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि अभी आगे मैंने रोल वगैरह बनाने हैं तो मैं उनको कहाँ पर रखूँगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इशू हो रहा है, क्योंकि मेरा यही था कि चलो साथ साथ जो चीज़ें बन जाए ना वही बेहतर हैं, क्योंकि रमज़ान में एक दो हमारा इरादा है इफ्तारियाँ भी, आपको पता है कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह होते हैं तो उनको भी बुलाना पड़ जाता है, तो चीज़ें पहले से बनी हुई होना तो फिर इतना हेक्टिक नहीं होता इंसान। तो बहरहाल देखती हूँ मैं अब आगे क्या होता है, क्योंकि अब फ्रीज़र जो है वो तकरीबन फुल हो चुका है, मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है।
तो जी अब आ जाते हैं एक बहुत ही मज़े की सिंपल सी रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी मेरी नहीं है, ये मैंने जो आपको बताया था नौश किचन रूटीन उनका चैनल मैं देखती हूँ, तो उन्होंने की थी तवा पिज़्ज़ा की, तो उनसे मैंने ली है। तो अभी मेरे पास क्योंकि पिज़्ज़ा सॉस नहीं थी, तो पिज़्ज़ा सॉस मैं घर में बना लेती हूँ। पहले भी मैं एक दफ़ा पाकिस्तान में भी जब नहीं होती थी तो मैं घर में बना लेती थी, काफ़ी ज़्यादा ईजी रेसिपी है इसकी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन ले लिया था, उसको चॉप करके लाइट से सौते करने के बाद उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं टमाटर मैंने उसको करके मैश करके, अगर आपके पास टमाटो प्योरी हो आप वो डाल सकते हैं। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है केचप, और अब केचप डाल के अब इन मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद मेरे पास पड़ा हुआ था सालसा, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर सालसा, आप सिर्फ टो केचप टमाटर के साथ और जो होता है ना गार्लिक केचप उसके साथ आप इसको बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। लेकिन मेरे पास गार्लिक नहीं था तो इस वजह से मैंने इसके अंदर फिर सालसा डाल दिया जो मेरे पास पड़ा हुआ था, और साथ में मेरे पास पड़ी हुई थी चिली सॉस, ठीक है, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। और फिर अब मैं इसको तो थोड़ा सा इसको स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, थोड़ा सा नमक डाला था, और अब मैं इसको गाढ़ा होने दूंगी। और बहुत ही मज़े की जो ना पिज़्ज़ा सॉस है ना वो बन के रेडी हो गई थी। और इस तरह फिर यह कि बाज़ार मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे पता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें एकदम जहन में आते हैं ना कि अब मैंने बनाना है, तो फिर अक्सर चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं होती, तो फिर मुझे वो भी घर पे रेडी करनी पड़ती हैं। तो बहुत इजी है, अगर आपके पास भी ना हो तो आप घर में बड़ी आसानी से तकरीबन 5 मिनट में बहुत मज़े की पिज़्ज़ा सॉस जो है ना वो रेडी हो जाती है। उसके बाद मैंने ले लिए हैं बोनलेस चिकन थोड़ा सा, और इसके अंदर भी गार्लिक डाला है, नमक डाल रही हूँ, बाकी हल्दी, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, तो ये सारी चीज़ें डाल के, तो मेरे पास टिक्का मसाला नहीं था। अगर आपके पास टिक्का मसाला है तो आप डायरेक्ट इसके अंदर लहसुन डालिए, टिक्का मसाला डालिए, दही डालें और आप इसके बाद इसको कर दें, पका लें। मेरे पास टिक्का मसाला नहीं था तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी इसके अंदर डाल दी हैं, और अब मैं इसको करूँगी, रखूँगी दही डाल के, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। लेमन जूस यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ, आपके पास फ्रेश लेमन हो तो आप वहाँ वही डालिए, मेरे पास ये था, तो मैंने ये इसके अंदर डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2 टेबलस्पून तक दही ऐड किया मैंने इसके अंदर, और अब मैं इस तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको रख दूंगी चूल्हे पे और इसको मैं पका लूंगी। ये सारी चीज़ें मैं आस्ते आस्ते इस ट्राई कर रही हूँ कि मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मैं अगर रमज़ान में मुझे ऐसा कोई करना पड़ता है काम, तो फिर मुझे एक दफ़ा बंदे ने बनाया हुआ हो ना तो उसको अंदाज़ा हो जाता है। मैं फ़र्स्ट टाइम ये वाला पिज़्ज़ा ट्राई करी थी, तो उससे मैंने रमज़ान से कुछ दिन पहले इसको ट्राई करने की कोशिश की कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई गलती हो जाती है तो मुझे पता हो। यहाँ पर एक क्लिप मेरे से मिस हो गया था, मैंने लिया था तकरीबन जितना मैदा है इतना ही मैंने पानी लिया था, इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून यीस्ट डाला था। अब उसके अंदर मैंने मैदा डाल दिया है और अब मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मैदा भी उतना ही डाला था जितना पानी डाला था। तो इसमें यह है कि मेरे पास जो पैन है ना, मेरा इरादा था मैं इसी पैन में पिज़्ज़ा बनाऊँगी, लेकिन इसके अंदर ये ज़्यादा हो गया था बैटर, तो फिर इसके बाद मैंने बड़ा पैन ले लिया था, क्योंकि मुझे जो इसकी है ना रोटी वो बिल्कुल पतली सी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, यीस्ट को फुलाने की ज़रूरत नहीं है, आटा गूंद के रखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपने ये पेस्ट बनाया और इस पेस्ट को फ़ौरन से आपने इस तरह पैन के अंदर डाला, और यहाँ से आप देख रहे हैं इसको आपने अच्छी तरह से फैला लिया। ये कोशिश करनी है कि रोटी जो है ना वो इसका जो क्रस्ट है वो बिल्कुल बारीक सा हो, पतला सा हो, ठीक है। अब मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे बिल्कुल लो फ्लेम पे, आप एक किस्म का समझें कि दम वाले फ्लेम पे आपने इसको रखना है, और दम वाले फ्लेम पे रखने के बाद अब इसके बाद आप तकरीबन इसके अंदर अगर आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं ना तो 15 मिनट से ज़्यादा इस पिज़्ज़े पे नहीं लगते हैं, जिस तरह मेरा तो सॉस बनाने पे टाइम लग गया। अगर आपके पास सॉस भी मौजूद है आप डायरेक्ट इसके ऊपर सॉस अप्लाई कीजिए। उसके बाद जब पाकिस्तान में होते हैं तो वहाँ पर आपको पता है मिल जाते हैं फ्रोज़न चंक्स मिल जाते हैं चिकन के, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर चिकन भी पड़ा हुआ है तो आप वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं तो फिर तो 15 मिनट से ज़्यादा में ये पिज़्ज़ा नहीं बनता। तो आप मेरे पास क्योंकि नहीं थी तो मुझे इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा चीज़ें बनाने में। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने लो फ्लेम पे इसको रखा है और साथ में अब मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद अब इसके अंदर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी जी चीज़। फ्लेम जो है वो बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया कि मीट लो रखिएगा, दम वाला फ्लेम रखिएगा। मैंने थोड़ा सा असल में स्टार्ट में तेज़ कर दिया था, मेरा क्रस्ट नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा डार्क ब्राउन हो गया था। तो अगर आप इसको बिल्कुल लो पे रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर आपका जो क्रस्ट है वो नीचे से रेडी हो जाएगा और बहुत ही मज़े का जो पिज़्ज़ा ना वो आपका बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप चीज़ डाल दी है, चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, आपको कम पसंद है, ज़्यादा पसंद है, जितनी आपको पसंद है
आप उस लिहाज से डाल सकते हैं। अब जो मैंने चिकन किया था उसको मैंने बारीक बारीक पीसीज में तोड़ लिया था, ठीक है, गलने के बाद बिल्कुल बारीक बारीक पीसीज में उनको तोड़ दिया था। और उसके बाद अब ये तमाम चंक्स जो हैं वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये तकरीबन मीडियम पिज़्ज़ा जितना है, लार्ज नहीं है, मीडियम पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरे पास जो तवा है वो किनारों वाला नहीं है। अगर आपके पास बड़ा तवा है किनारों वाला फिर तो आप बड़ा पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ा पैन यही था इसके अंदर, इस टाइम मैं बना रही हूँ। तो अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ प्याज और शिमला मिर्च, उनको मैंने बिल्कुल जो ऑमलेट कट है ना वो किया है, लंबे या किसी और तरीके से मैंने नहीं काटा, ऑमलेट कट हैं ये प्याज और शिमला मिर्च। इसके अलावा आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑलिव या जो भी जितना स्पाइसेस के अंदर मज़ीद ऐड करना चाहें अब वो ऐड कर सकते हैं, और ओरिगानो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। ऊपर से फिर मैं एक दफ़ा चीज़ डाल रही हूँ इसके ऊपर, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर चीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो ये और बात है कि मुझे खाने को बिल्कुल भी नहीं मिला, चार पीस बने थे, हस्बैंड क्योंकि जल्दी घर आ गए थे तो उनके लिए मैंने बनाया था चाय के लिए, तो माशाल्लाह से बच्चों ने और हस्बैंड ने इतने शौक से खाया कि मुझे नहीं मिल सका। तो ये मेरे साथ ज्यादती हुई बहरहाल, तो कोई बात नहीं, बच्चे खाएं हस्बैंड खाएं हमारे लिए यही बहुत होता है, हमने तो मेहनत करनी होती है, तो उसका जो सिला होता है ना वो तारीफ की सूरत में मिल जाए तो बस हमारा पेट उसी से भर जाता है। तो अच्छा जी, अब मैंने इसको कर दिया था और इसके बाद अब मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है, 10 से 12 मिनट के लिए। ये मेरा जो लिड था वो छोटा था, मैं बड़े लिड के साथ इसको ढक दूँगी और इसको 10 से 12 मिनट के लिए मैं इसी तरह से ढक के रखूँगी। उसके बाद मैं इसको फाइनल, इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े का टेस्ट था, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बना था। ये आपके सामने जी रेडी हो गया पिज़्ज़ा, मेल्ट हो चुकी है चीज़ और गरम गरम जो है ना क्रस्ट वो नीचे से अच्छी खासी रेडी हो चुकी है। मेरी थोड़ी सी ब्राउन हो गई थी क्योंकि स्टार्ट में मैंने फ्लेम को लो नहीं किया था। तो अब जी मैं पिज़्ज़ा जो है वो अपने बच्चों के सामने, हस्बैंड के सामने पेश करती हूँ, वो खाते हैं, और बहुत तारीफ़ की थी, बहुत अच्छा बना था, ठीक है जी। और अब है रात का टाइम, अब मैं बनाने लगी हूँ कस्टर्ड, काफ़ी दिन से नहीं बनाया था और मियाँ साहब भी कह रहे थे कि कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है। तो अब मैंने रखे हैं तकरीबन 1.5 कप दूध है और उसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 चम्मच ही कस्टर्ड डाल दिया था। कस्टर्ड बन के रेडी हो गया है, अब मैंने इसके अंदर जो नॉर्मल केक हैं वो रखे हैं, ठीक है। अब इस केक के ऊपर मैं डाल दूँगी गर्म गर्म कस्टर्ड जो कि रेडी हो चुका है, और तकरीबन ये भी 10 मिनट की पुडिंग है और बहुत मज़े की ये भी बनी थी। बस वही बात है कि चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हों सारी की सारी तो फिर ये चीज़ें बनाने में टाइम नहीं लगता है, तो बस आइडियाज़ आपके दिमाग में होने चाहिए, इसी तरह से रेसिपीज़ बनती हैं। तो ये एक दफ़ा एक लेयर मैंने इसकी लगा दी है कस्टर्ड की, और उसके बाद इसके ऊपर मैं डाल दूँगी आइसक्रीम, जो पहले से मेरे पास मौजूद होती है, हमें ये वाली पसंद है, हम खाते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर वो वाली आइसक्रीम, क्योंकि खाने ही नहीं हो रही थी, बच्चे बीमार हैं, और फिर मैंने कहा चलें इसके अंदर मैं इसको यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। और उसके बाद ये नए जो थे मैंने आपको बिस्किट दिखाए थे, कोकोनट बिस्किट्स लाए थे मेरे हस्बैंड, तो अब ये थोड़े से क्रश करके मैं इसके ऊपर इस तरह तोड़ के सारे डाल दूँगी और एक लेयर इसकी मैं इसके ऊपर लगा दूँगी। पाकिस्तान में जो मिलती है ना मुझे पसंद है, अब मुझे उसका आइसक्रीम का नाम भूल गया, मतलब इसके अंदर नट्स वगैरह होते हैं, कुल्फ़ा, हाँ कुल्फ़ा आइसक्रीम मेरी फेवरेट होती थी। मैं पाकिस्तान में जब भी कोई इस तरह की रेसिपी ट्राई करनी होती थी ना तो मैं वो वाली ज़रूर उसी को प्रेफर करती थी, या फिर टूटी फ्रूटी, क्योंकि पुडिंग्स के अंदर एक किस्म चीज़ के अंदर ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसका जो फ्लेवर है ना वो इन्हेंस होकर आता है, बाकी सबका इतना ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पर अब कुल्फ़ा वगैरह तो मिलती नहीं है, तो अब मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कभी गर्मियाँ आगे स्टार्ट होती हैं तो मैं वो भी बनाने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि उसको भी बना के मैं फ्रीज़ कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने लेयर लगा दी है और अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ फिर से कस्टर्ड, एक और लेयर कस्टर्ड की इसके ऊपर डाल दूँगी, और उसके बाद जी इसके ऊपर मैं जी कर दूँगी ड्राई फ्रूट, बादाम है मेरे पास, थोड़े से काजू हैं तो वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जिस तरह की मर्ज़ी इसके ऊपर टॉपिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बहुत मज़े का बना था कस्टर्ड, सबको बहुत पसंद आया, और इसी के साथ ही मैं वीडियो करती हूँ एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे फिर किसी नई बहुत ही मज़े की वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।